दोस्तों, ग्वालियर फोर्ट के बाद अब मैं फाइनली आ गया हूँ। पीछे आप मेरे देख सकते हैं गुरुद्वारा बंदी छोर, और ये सिख समुदाय का बहुत बड़ा गुरुद्वारा है ग्वालियर के अंदर। इस गुरुद्वारे की बहुत बड़ी मान्यता है, और इसकी हिस्ट्री यहाँ से बताई जाती है कि गुरु हरगोबिंद सिंह जो थे, जहांगीर जो राजा थे, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो जहांगीर की जो बेगम थी, उन्होंने गुरु हरगोबिंद सिंह से ये रिक्वेस्ट करी, ये उनसे बोला कि आप जाइए और इस मतलब उनकी सेहत के लिए प्रार्थना कीजिए। तो गुरु हरगोबिंद सिंह जो थे वो यहाँ 40 दिन के लिए आए थे, और ऐसा कहा जाता है उन्होंने राजा से एक ही दरख्वास्त की थी कि हिंदुओं के जो 52 राजा हैं उनको रिहा किया जाए, उसके बाद ही वो यहाँ पे आके अरदास करेंगे और वो यहाँ पे आएंगे, ग्वालियर के किले पे आएंगे। तो उस दिन के बाद जहांगीर जी राजा की जो बादशाह थे उनकी तबीयत ठीक हुई, और यहाँ से 52 हिंदू राजाओं को छोड़ा गया, रिहा करा गया। इस वजह से ये गुरुद्वारा जो है इसको बंदी छोड़ गुरुद्वारा कहा जाता है, जिसमें 52 जो बंदी कैदी जो थे हिंदू राजाओं के 52, उनको रिहा कराया गया था और राजा के द्वारा। और हरगोबिंद सिंह जी का बहुत बड़ा ये हिंदुओं के लिए भी बहुत बड़ा परोपकार था, और ये गुरुद्वारा जो है उस नीति और उस हिसाब से बनाया गया है। तो ये गुरुद्वारा बहुत मायने रखता है सिख धर्म में। गाइस, फाइनली मैं आ गया हूँ तेली का मंदिर, जो कि ग्वालियर फोर्ट के पास ही एक बहुत पुराना मंदिर है। ये लगभग 8वीं से 9वीं सदी के 9th या 9th सेंचुरी के पास ये मंदिर बनाया गया था, और तब से इसकी पूजा मान्यता चलती आ रही है। बहुत ही पुराना मंदिर है और अमेजिंग आर्किटेक्चर है यहाँ पे मध्य प्रदेश का, और बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन मंदिर है। यहाँ पे कैलीग्राफी से लेकर आर्किटेक्चर, जितना भी आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं, ये सब बहुत पहले का है। और ये जो कैलीग्राफी या जितनी भी कंस्ट्रक्शन है, ये बहुत सदियों पहली है। तो ये किसी को नहीं, जैसे मध्य प्रदेश में खजुराहो है, या जितनी भी आपके मध्य प्रदेश की आर्ट या जितना भी मॉन्यूमेंट्स हैं, ये काफ़ी सदियों से चलती आ रही है, और ये किसी के पास भी एविडेंस नहीं है कि कब बनाए गए, किस तरीके से बनाए गए, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल जो क्रिएशन है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है, बहुत टफ रहता है। तो ये मंदिर जो है तेली का, ये भगवान विष्णु के और भगवान शिव को डोनेट करते हुए उनके लिए ये मंदिर बनाया गया है, और इसमें भी आपको अमेजिंग कैलीग्राफी दिखेगी। अगर आप ऊपर देखें ध्यान से, तो आपको यहाँ पे भी भगवान के मूर्तियाँ अंदर बनी हुई दिखेंगी, और भगवान की यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको अलग अलग भगवानों की मूर्तियाँ यहाँ पे दर्शाती हुई दिखेंगी, जो अब काफ़ी ढल चुकी हैं और काफ़ी कमज़ोर पड़ चुकी हैं, बट ये उस सदी से बनाई हुई हैं, और ये पत्थर इतना मज़बूत था कि आज भी इसको रेनोवेट करने की पूरी कोशिश रहती है जितना ज़्यादा हो सके, और गवर्नमेंट ने भी इसको पूरा कोशिश किया है कि किसी तरीके से इसे अच्छे से रेनोवेट किया जाए। और बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिर है, अगर आप ग्वालियर फोर्ट आते हैं तो ज़रूर इसको।
गाइज अभी मंदिर के मैं हूँ अंदर और ये तेली का मंदिर है। अभी आवाज़ मेरी जो है यहाँ पे काफ़ी गूंज रही है, बट बहुत मींस आर्किटेक्चर जो है मध्य प्रदेश का नो डाउट पूरे वर्ल्ड में नोन है, फेमस है, बट यहाँ पे भी काफ़ी अंधेरा है। और बड़े बड़े यहाँ पे अगर आप देखें ऊपर इसकी जो रूफ़ है वो भी कम से कम एटलीस्ट 18 फीट के आसपास इसकी रूफ़ होगी और बहुत जेनेटिक स्ट्रक्चर है। इस पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कैलीग्राफी दिखेगी जो पुराने टाइम की जगह जगह यहाँ पे हो रखी है, जिससे इस मंदिर की हिस्ट्री जो है आप समझ सकते हैं कि इस पूरी मंदिर की जो जो भगवान शिव और विष्णु के प्रति ये मंदिर बनाया गया था उसकी हिस्ट्री आपको यहाँ पे दर्शाती दिखेगी। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। इसी के साथ वीडियो होता है ख़त्म। जय हिंद।